वहीं अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 में भाजपा को जीत मिल गई है। इन 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते। इनमें सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चाउना मेन भी शामिल हैं। पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा था, चूंकि किसी और उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया था, ऐसे में खांडू को निर्विरोध चुन लिया गया। बाकी 9 सीटों पर भी इसी तरह बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली। राज्य में 19 अप्रैल को एक फेज में चुनाव होंगे, वही रिजल्ट 2 जून को घोषित किया जाएगा।